अवैध शस्त्र फैक्ट्री का बानपुर पुलिस ने किया खुलासा। 5 तमंचा, देशी रिवॉल्वर समेत अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद। थाना बानपुर पुलिस ने एसओजी टीम की मदद से कुख्यात हिस्ट्री शीटर को 5 अवैध देशी तमंचे व 1 देशी रिवॉल्वर और कई कारतूसों के साथ हिरासत में लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने पूरे प्रकरण की जानकारी पुलिस लाइन स्थित सभागार में पत्रकारों को दी। एएसपी ने बताया कि बानपुर पुलिस को यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सूचना मिलने पर उन्होंने एसओजी टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम कैलगुवा निवासी पुष्पेंद्र यादव को नदी किनारे खंडरनुमा मकान से अवैध शस्त्र बनाते हुए हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि मौके का फायदा उठाते हुए मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ निवासी छोटू नाम का युवक भागने में कामयाब रहा। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक ललितपुर के द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में थाना बानपुर पुलिस और महरौनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत कल इनको मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति पुष्पेंद्र यादव जो कैलगुआ के पास आम घाट के पास जामुनी नदी के किनारे खंडरनुमा मकान है उसमें जो है अवैध शस्त्र बना रहा है। इस सूचना पर एसओजी थाना बानपुर पुलिस और महरौनी पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश दी। दबिश में ये पुष्पेंद्र यादव गिरफ्तार हो गया और एक अन्य इसका साथी जो था वो अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहाँ से फरार हो गया था। पुष्पेंद्र यादव के कब्जे से 5 अदद देसी तमंचा 315 बोर, 1 अदद देसी रिवाल्वर 32 बोर, 2 अदद देसी तमंचा 315 बोर अर्धनिर्मित व 2 अदद 12 बोर देसी तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 3 अदद कारतूस 12 बोर और अवैध शस्त्र बनाने के जो उपकरण हैं शस्त्र फैक्ट्री जो होती है वो सब इसके पास से बरामद हुआ है। सर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को मैं प्रभावित करने के लिए वोटरों को धमकाने के उद्देश्य से कहीं फैक्ट्री चलाई जा रही थी क्या? जिसे पूछताछ कर रहे हैं इस मामले में, जो तथ्य सामने आएंगे वो उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये इसके खिलाफ इससे पूछताछ की गई है तो पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि मेरा एक संगठित गिरोह है और हम लोग अवैध शस्त्र बनाते हैं और उनकी रिपेयरिंग भी करते हैं, फिर इनको जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों को अलग अलग जिलों में इनको जो है बेच कर हम जो है आर्थिक लाभ कमाते हैं। सर इसके खिलाफ इसके खिलाफ लगभग 22 मुकदमे जो है भिन्न भिन्न थानों में पंजीकृत हैं। इस तरीके से ये बानपुर पुलिस और एसओजी और महरौनी पुलिस की बड़ी सफलता है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।